वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन हम ओरियन ग्रीन पावर यानी कि ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक 10.75 पे आज क्लोजिंग दे चुका है। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि 1.832% तक गिरावट देखने को मिले। स्टॉक के अंदर 20 पैसे की गिरावट होती हुई नजर आ चुके हैं ओरियन ग्रीन पावर में आज के दिन में। तो तकरीबन काफी समय से यहाँ पे स्टॉक स्टेबल था, पर रिसेंटली देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट होती हुई नजर आ चुके हैं। मींस 11 लेवल के तो स्टेबल था स्टॉक, पर आज 11 लेवल को ब्रेक डाउन किया स्टॉक ने। और देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पे 11 लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ चुका है। तकरीबन ऊपर जाएगा तो 11 लेवल फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट कैप देखोगे तो 805 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशो 50 है, जो कि हाई पी रेशो देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो स्टॉक में यहाँ पे देख से देखिए 4% डाउन यहाँ पे गिराव देखने को मिले, डाउनफॉल देखने को मिला लास्ट 5 डेज में स्टॉक को। वॉल्यूम के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के, तो ओरियन ग्रीन पावर का वॉल्यूम भी यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि स्टॉक ने 49 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। आज यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू जो है 534 लाख का ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिला है। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के ऊपर भी नजर डाली जाए तो स्टॉक का यहाँ पे 36 लाख में से 19 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। मीन्स तकरीबन 52 to 53% क्वांटिटी जो है नेगेटिव होल्डिंग के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। तो हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे स्टॉक के, तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे 11 लेवल पे काफी दिनों से सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, और मंथली पीरियड भी 10.85 लेवल पे थी। तो मंथली पीरियड और 11 लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा था काफी दिनों से, पर देख सकते आज दोनों लेवल को ब्रेकआउट मिला है। तो ब्रेकआउट मिला है के गिरावट देखने को मिला है। अभी स्टॉक नीचे क्लोजिंग देता है और नीचे ही ओपन होता है, तो स्टॉक में 10.52 लेवल तक गिरावट हो सकती है।